जब भी आप यहाँ आते हो तो इस जगह पर आना बिल्कुल ना भूले। गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं गंगा नदी के किनारे, सामने देख सकते हो आप गंगा नदी है और यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर पथ है चलने के लिए जहाँ से कि आप गंगा का सुंदर नज़ारा देख सकते हो यहाँ पर। और हमने डिसीजन लिया है सबसे पहले जाएंगे हम 84 फुटिया जिसे कि बीटल्स आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। और ये 84 फुटिया किस लिए फेमस है, क्यों फेमस है और कैसी दिखती है, ये पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में आपको मिलेगी। और इसका नाम बीटल्स आश्रम इसलिए पड़ा क्योंकि वहाँ पर एक ब्रिटेन का एक रॉक बैंड था जिसका नाम था बीटल्स। हाँ, आई हर्ड अबाउट दैट। और वो यहाँ पर आए थे ध्यान करने के लिए, वो यहाँ पर काफ़ी वर्षों तक रहे। 1968 की बात है, 1968 में वो यहाँ पर आए थे और 1970 के आसपास शायद चले गए थे। और 2 साल यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर ध्यान किया और यहाँ पर उन्हें कहा जाता है कि 40 गाने लिखे। हाँ, एंड अब गाने फेमस होंगे, अभी गाने फेमस हैं उनके, अभी फेमस गाने हुए इसीलिए उनके नाम से वहाँ पर बीटल्स आश्रम कहा जाता है क्योंकि उनका रॉक बैंड था, काफ़ी फेमस बैंड था ब्रिटेन का। दैट्स व्हाई दैट इज बीटल्स आश्रम। ओ भाई 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 यार, अच्छा अच्छा मेरे को लगा रे गंगा माँ ने इसको एक्सेप्ट कर लिया। बस गंगा माँ डजंट एक्सेप्ट यू ब्रो, उसे बेकार लोगों की जरूरत आई ही नहीं है। गाइस फाइनली पहुंच चुके हम जानकी झूला के ऊपर। जानकी झूला है, इसको पार करके हम जाएंगे हम सीधे 84 कुटिया की ओर जहाँ की आपको लेके चलूंगा। तो गाइस फाइनली पहुंच चुके हम बीटल्स आश्रम यानी 84 कुटिया के मेन गेट पे। देख सकते हो आप यहाँ पर मेरे पीछे, और आपको इस कैमरे से नहीं दिख रहा तो बैक के कैमरे से दिखाते हैं आपको। रास्ता है ये नीलकंठ महादेव का पैदल का रास्ता, जब भी आप यहाँ पर आओ। अच्छा नीलकंठ के लिए 84 कुटिया जो भी चले रहे हैं पर बंदर भी घूम रहे हैं। यहाँ से भी 300 मीटर और आगे चलने को है और जंगल है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। यहाँ पर जंगल इसलिए क्योंकि राजा जी नेशनल पार्क के अंदर है, ये बात शायद आपको पहले बता चुका हूँ। पहले पहुँच चुके हैं और यहाँ से लेंगे हम टिकट। तो यहाँ पर टिकट है इंडियन का है 150 रुपये, स्टूडेंट अब 18 दैट इज 75 हमारी 75 भारतीय केवल भारतीयों के लिए। लेट्स गो। फॉरेनर के लिए 600 रुपये, हम 600 रुपये देंगे ना स्टूडेंट प्लीज सो द लेटर फ्रॉम स्कूल। स्टूडेंट हमें पड़ेगी 150 रुपये। चलो टिकट ले लिए, हाउ मच फॉर दिस टिकट? ये 150 रुपये की टिकट है, मतलब दो। अच्छा राजा जी टाइगर रिजर्व लिखा हुआ है ना इस पे। यहाँ से आप थोड़ी दूरी पर है, 150 पर हेड फॉर दिस टिकट। टाइगर रिजर्व कवर्स 1075 किलोमीटर एंड इज फेमस फॉर इट्स वाइल्ड एलिफेंट टाइगर्स। टिकट संभाल कर रखना पड़ेगा, अगर खो गया तो फिर ना ना। पर इस प्रकार की, अच्छा अच्छा यहाँ पर 84 कुटिया है इसलिए यहाँ का नाम है 84 कुटिया। एक गिनते रहेंगे, एक दो तीन। एक और बात बता दूँ, इन कुटियों पर जो पत्थर लगे छोटे छोटे गंगा नदी के किनारे से लाए गए हैं। अच्छा अच्छा, तो यहाँ पर एक ध्यान करने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है, यहाँ पर आप ध्यान कर सकते हैं अंदर बैठ के। मैं भी लगाना चाहता हूँ, मेरा ध्यान करने का मन कर रहा है आज, मुझे एक अलग ही। Can we go inside? Okay. Where are you going? जा सकते हैं आप उत्तराखंड में आते हो तो ऋषिकेश आना जरूर आए, यहाँ पर आना ना भूले। और यहाँ पर मैं ध्यान करने वाला हूँ आज,
बैठ जा, लेट्स सी। हम नीचे उतरे यार, तू कहीं यहाँ से जा सकते नीचे? थोड़ा ध्यान, मुझे यहाँ भी करना है। किसी से भी जा सकते नीचे ना? यहाँ भी अच्छा है, यहाँ तो नहीं है आशीष लव या नीलम लिखा होगा नीलम और क्या लिखा है? आयुष संकल्प, आयुष संकल्प कल्पना अंकित वैशाली आयुषी रेशमा, ये फ्रेंड लोग आए होंगे बीएससी फर्स्ट ईयर के। क्या आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, जब भी आप ऐसी जगह आते हो तो ये आई लव वी लव वाला संदेश लिखिए। क्या हुआ, अच्छा तो लग रहा है यार कि कहीं भी जाकर अपने वो बीएससी से फर्स्ट ईयर का ग्रुप होगा ना, उन्होंने बीएससी फर्स्ट ईयर भी लिखा होगा, घूमने आए होंगे भाई। क्या जगह है यहाँ पे, क्या जगह है, क्या जगह है, क्या जगह है, देखिए सैलानी यहाँ पर। और ये बंदा यहाँ पर आज बहुत ही एक्साइटेड है, कैसा लगा तेरे को आज? मजा आ रहा है भाई साहब, कितनी कुटिया यहाँ पे, पर कितनी कुटिया यहाँ पे, कुटिया ही कुटिया, कुटिया ही कुटिया, कुटिया ही कुटिया, एक से बढ़कर एक कुटिया, छोटी कुटिया, बड़ी कुटिया, कितनी कुटिया है। क्या इंसान है। डरावनी जगह यहाँ पर, एक हॉन्टेड प्लेस है जो कि काफी डरावना है। वही वही काले रहा वही यार, कुछ फायदा नहीं सच में। वो भाई क्या है, खंडर हो गया पूरा। लेट्स गो, आप भी थी याद आ रही मेरे को, फिर कोई है, फिर कोई है, क्या लिखा हुआ है, रुक जरा, ऐसे घर में पढ़ूंगा। यहाँ पर डरावना है काफी, मंजर है। ओ भाई यहाँ पर मैं एक और मंजर ऊपर जाऊंगा जो कि बहुत डरावनी है ऊपर जाने के लिए। ओ भाई लेट्स गो दिया, लेट्स गो दिया, हुआ टाइप पहुंच गया। भाई अच्छा यहाँ तो खुला है पूरा, ये तो नहीं यार छत है, इतनी इतनी अच्छी छत है यहाँ पर, सच में डरावना तो लग रहा था यार। तो गाइस यहाँ पर एक फोटो गैलरी अंदर देखते हैं, यहाँ पर जहाँ पर बीटल्स की और महर्षि महेश योगी की फोटोज हैं जो भी यहाँ पर आए थे। देखो दिस इज लव, पंजाबी में कुछ लिखा है, बी नियर लव, लव हर जगह, दीपक दीपक हर जगह, आई लव यू, आई लव यू। यहाँ से पीछे क्या है, जंगल है यहाँ, लव लव लिखा है, पता नहीं व्हाट द हेल इज दिस ब्रो। गाइस मैं बहुत ज्यादा परेशान हो चुका हूँ, किस चीज से, क्योंकि यहाँ पर हर जगह जा रहा हूँ मैं तो, वहाँ बिल्डिंग पर लिखा है आई लव सीता, आई लव गीता, आई लव कुछ भी बबीता, जो कि ये चीज़ बहुत ही डिसअपॉइंटेड करने वाली है। जब भी आप इस जगह पर आते हो तो आपको ऐसी जगह ऐसी चीज़ें नहीं लिखनी चाहिए यार, मानता है कि तुम लव करते हो पर ये गलत है। पर दिस इज नॉट द राइट वे टू एक्सप्रेस योर लव। यहाँ पर कैंटीन एग्जीबिशन वाइब्स, जब भी आप आते हो टॉयलेट है यार, कैंटीन भी है, अच्छा एग्जीबिशन एंड टॉयलेट्स। यहाँ पर क्या कुछ खाना पीना खा सकते हो? अच्छा लेट्स गो इनसाइड, लेट्स गो इनसाइड। इन द अर्ली 1950s किचन वाज यूज्ड टू द प्रिपेयर द बेस्ट फूड ऑफ द ऑल गेस्ट, यहां पर सभी गेस्टों के लिए फूड बनता था। अच्छा अच्छा यहां पर किचन था ना सर, किचन का है यहां पे, लेट्स गो। तो मैं तो रेड आई अनी एंड अग्नि अंदर लिखा है, अनी रेड आई का मतलब क्या होता है? लाल आंख, लाल आंख तो पता है तू लिखा है, ओम भी तो लिखा है, वो भी तो देख किधर व्हाट Hide your eyes, darling. People can see your heart. Hide your eyes. Press constructed. That is very very. यहाँ पर printing press था. देखते हैं printing press कैसा है. और printing press कैसी? Come inside. Printing press की सारी मशीनें हैं गायब हैं. तार है यहाँ पर. इधर current तो नहीं है. अरे भाई current के लिए आता होगा ना? भाई हाँ यार सब कुछ सही था यार।
विल यू चल। ओ भाई अनदर हॉन्टेड प्लेस। ये चार बहनें क्या कर रही हैं? ये तो एक जैसी है। पी जी आर जे विस पी जी। पी से किसी का नाम बोल दो। पी से पूजा। जी से गुरदीप। अबे लड़कियां हैं चारों। चलो पी से पूजा। जी से गीता। आर से रेनुका। जे से जानवी। जानवी जैस्मिन या जैस्मिन। ओके यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे लिखा है स्थिति स्तुति लव अंजू अंजू आसानी। ये तीनों को प्यार करता है ऐसे ऊपर से पाब्लो। तो भाई जब भी आप यहाँ आते हो तो इस जगह पर आना बिल्कुल ना भूले। ओके इस जगह पर नहीं भाई पूजा इस जगह पर। ओ लाइफ चले। हाँ मुझे यही पढ़ लेते हैं। द फूल ऑन द बट द फूल ऑन द हिल सीज सन गोना डाउन एंड द आईज इन हिज हेड सीज द वर्ल्ड सन स्पिनिंग अराउंड। ओके ओके हेलो पूजा गीता कैसे हो? बाय। ओके लेट्स गो पूजा। हीलिंग पावर। ओके चंद्रगुप्त बिहारी। अरे पढ़ते हैं यार दीवारों पे पढ़ते हैं आज यार दीवारों पे पढ़ते हैं। ये मैंने पढ़ा दिया था। यहाँ चलते हैं अंदर। सैम देख कितना प्यारा बना रखा था कि जिसने बना रखा है भाई। सैम दिखाओ। सैम मान लिया क्या है? आई सी द आइस। ओके ओके ना ना ये क्या लिखा हुआ? डिट करी डू डू वाला। क्या डिट करी डू वाला? देखो मैं इसको गूगल कर रहा हूँ पकड़ जा। अब भी मैंने इसके बारे में गूगल किया कि ये डिट डू 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 वाला क्या है। क्या है इसको पढ़ना जरा क्या है? डिट डू 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 वाला। इसका इसका मैंने अभी गूगल पे सर्च किया मीनिंग और इसका मीनिंग निकला ऑस्ट्रेलियन कोई वो है क्या इंस्ट्रूमेंट है। अब थोड़ा पोस्ट ऑफिस में भी चलते हैं। पोस्ट ऑफिस में मुझे पोस्ट करना है तो इस स्पीड पोस्ट करनी है हमें। दीवारों पे लिखा है लव लू वी। यहां पर ओम लिखा हुआ भाई। ये क्या है? मेन ऑफिस कहां हो गया? वही वही अंदर मजा अंदर मजा। पोस्ट पे जाके भूत क्या बोल रहा है? यहां पर क्या है अंदर? क्या ये रखता था? चिट्ठी सर। चिट्ठी यहां पर क्या है? चिट्ठी वगैरह सर। हां चिट्ठी रखने के लिए यहां भाई। यहाँ मेन ऑफिस कहाँ होगा? अच्छा मेन ऑफिस नहीं है। मेन ऑफिस वही है। मैं स्पीड पोस्ट कर रहा था यार। जहाँ भी घूम रहे हैं वहाँ पर लव लव लिखा हुआ पूरी दीवारों पे ना। मैं थोड़ा पोस्ट कर रहा था पूरी दीवारों पे। जहाँ भी जाओगे ना सूरज नहीं ना सूरज सूरज दास यार। तो गाइस इसी के साथ ही मैं ये वीडियो यहाँ पर खत्म करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो है पसंद आएगी। और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी पसंद आती है तो लाइक शेयर बिल्कुल करें। और जब भी आपने जैसे आप कहीं भी घूमने गए होंगे तो आपने दीवारों पे लिखे होंगे दिखे होंगे तो आपको सबसे फनी लाइन क्या लगी दीवारों पे? लव वाली। लव के अलावा काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी रहती है ना कभी कभी। तो ऐसी जगह पर आते हो तो ऐसे दीवारों पर ऐसा लव लव ना लिखें जो लव है तुम्हारे अंदर अपने दिल में रखें। Excuse me, you know where is the gallery here? So yeah, gallery was there, I think. There yeah, in this building? Yeah, yeah. And there are photos like... Canteen also and gallery also there. Okay. Okay. Subscribe now. And press the bell icon. Never miss an update.